हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एथरोसैट मिशन्स के बारे में और उससे ली गई इमेजेस के भी बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एथरोसैट मिशन की। तो दोस्तों, एथरोसैट इंडिया की फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप है जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक पूरी सैटेलाइट है जो स्पेस में जाकर तरह तरह की इमेजेस लेगी, लेकिन ये इमेज धरती की नहीं लेगी, ये स्पेस की लेगी, स्पेस को मॉनिटरिंग करेगी। और इसे बनाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों का हाथ है, आर्यभट्ट, व्यंगनाथ, ये आप नाम देख ही पा रहे होंगे, जैसे कि और ग्रेट मैथमेटिक्सन थे जैसे कि इंडिया में, और यूनिवर्स को जिन्हें बहुत पहले से बहुत सटीकता से हमको बताया और हमें बहुत सारी नॉलेज दी। लेकिन अब हमें आगे जाना है, गैलेक्सीज के बारे में जानना है, गैलेक्सी क्या होती है, सोलर सिस्टम किस तरह काम करते हैं, बैरनी स्टार क्या होते हैं, किस तरह के स्टार होते हैं, सुपरनोवा क्या होते हैं, नेबुला और सुपरनोवा, तो आपको पता ही होगा। ब्लैक होल के बारे में तफ्तीश से जानकारी ये देगी। ब्लू स्टार जैसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है जिनके बारे में ये जानकारी देगी। दोस्तों, स्पेस बहुत तेजी से फैल रहा है और हमें इसे फैलते हुए देखना है कि तो हमें स्पेस टेलीस्कोप हमें हवा स्पेस टेलीस्कोप का यूज करना पड़ता था, लेकिन अब हम अपनी इंडिया की स्पेस टेलीस्कोप का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है एथरोसैट। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जिस तरह अभी एथरोसैट किस तरह काम करे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अलग अलग लाइट अलग अलग वेवलेंथ पर काम करती है। अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे आकर बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो इस मिशन में तकरीबन 5 उपकरण लगाए गए हैं जो अलग अलग तरह से काम करेगी और अलग अलग तरह के से दुनिया को देखेंगे, मतलब यूनिवर्स को देखेंगे, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ के लिए हमें एक अलग अलग उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। एथरोसैट एक पूरी सैटेलाइट है जिसके अंदर 5 उपकरण है। बेसिकली दोस्तों, हम अपने मिशंस के अंदर 5 या 6 ही उपकरण रखते हैं और इस मिशन में बहुत खास है क्योंकि इस मिशन को रोटेट करना होता है, तो इसलिए हमने इसमें कुछ व्हील जैसा कुछ लगाया जिससे कि ये सैटेलाइट मूव कर सके और अलग अलग एंगल से स्पेस को स्कैन कर सके। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि इस मिशन की जो लॉन्च किया गया था ये किया गया था PSLV-C30 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और बहुत ही परफेक्ट तरह से इसको लॉन्च किया गया था। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो PSLV की लॉन्चिंग थी, PSLV-C30 की जो लॉन्चिंग थी, ये सिर्फ एथरोसैट के लिए ही नहीं थी, इसमें दूसरे देशों की भी सैटेलाइट हमारे साथ गई थी। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि एथरोसैट 155 किलोग्राम की एक सैटेलाइट थी, लेकिन कनाडा, इंडोनेशिया और USA, बेल्जियम जैसे कई देशों की हमने इसमें एक साथ सैटेलाइट लॉन्च की। जैसे कि और जैसे ही ये सब रॉकेट से अलग हुए, फॉल्ट स्टेज से अलग हुए, तो इन्होंने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके उपकरण के बारे में। तो दोस्तों, ये जो उपकरण देख पा रहे हो ये है XXT, लार्ज सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और ये जो दूसरा उपकरण आप देख पा रहे होंगे ये अल्ट्रा वायलेट इमेज टेलीस्कोप है। ये उपकरण जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम है लार्ज एरिया एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो ब्लू स्टार, बाइनरी स्टार और ब्लैक होल जैसी जानकारी हमको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, ये मिशन बनाया कैसे गया? बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी लगन, घंटों की मेहनत, परिश्रम के द्वारा ये मिशन को बनाया गया। मिशन को मैं आपको बताऊं कि मिशन को बनाते हुए लगता है बहुत आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक की मैं आपको बताऊं, उसने जिसने इसमें कहा है कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, इन उपकरणों को बनाने के दौरान वहाँ पर ही सोया जाता था। इन्हें स्पेस टेलीस्कोप वो
इंडियन स्पेस सेंटर में ही सो जाया करते थे और इस उपकरण को डेवलप किया। तो दोस्तों बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही अच्छा उपकरण है, बहुत अच्छे कैमरे हमने इसमें यूज किए, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं CCD, ये जो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से स्पेस को मैनेज करेगा। ये उपकरण बहुत बेहतरीन है, मैंने आपको इसका नाम बताया है, और पूरा मिशन बहुत बेहतरीन तरह से काम कर रहा है। जो अलग अलग तरह के स्पेस में होने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं और धरती पर डेटा भेजते हैं, और हम इसरो के वैज्ञानिक उसको डेटा को एनालाइज करके ये बताते हैं कि हमें क्या करना है, और भारत को पौवा खुश करते हैं। ये जो आप अभी पहले देख पा रहे हो, जिसका नाम है SSM, स्क्रीन स्काई मॉनिटर, इसने पूरे स्पेस को कहा जाए तो स्कैन किया है और बताया है कि क्या चीज़ कहाँ पर है, मतलब कि एक तरह से ये डेथ रे और दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो सुपरनोवा के बारे में हमको जानकारी देता है। बहुत सटीक से इनको बिठाना पड़ता है एक दूसरे के, बहुत ही बेहतरीन तरह से इनको एडजस्ट किया जाता है, और एथोसैट इसी का एक उदाहरण है किस तरह हमने इसको बनाया। कुछ संस्थाओं ने इस उपकरण को बनाने में मदद की, इनफैक्ट बनाया, और एथरोसैट कुछ ऐसे ही मिशन है जिससे कि हमें बहुत बेहतरीन इमेजेस आज मिल रहे हैं। और अगर आपको ये इमेज देखने तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, यह अभी शुरुआत है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बेहतरीन मिशन है, बहुत मेहनत, ये हमें दिखाते हैं इसरो की मेहनत के बारे में। कुछ इमेजेस जो मैं आपको दे रहा हूँ, यह हबल स्पेस टेलीस्कोप की इमेज है असल में, ये और ये जो इमेज है बहुत बहुत बेहतरीन इमेज है, जिससे कि हमें पता चला कि किस तरह स्टार और गैलेक्सी मूव करती है, और ये एक झुंड है स्टार्स का जो बहुत ही नए तारे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों हबल स्पेस टेलीस्कोप इस तरह की इमेज नहीं ले सकती, लेकिन हमने ये इमेज ली है और ये ऑथेंटिक न्यू ऑथेंटिक है, बिल्कुल ओरिजिनल न्यूज ओरिजिनल इमेजेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही साफ इमेज है, इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्टार हैं, और ये जो इमेज है ये बाइनरी स्टार्स को दर्शाता है, किस तरह दो स्टार एक दूसरे के पास से होके और चोरी करते हैं, मतलब ड्रैकुला स्टार कहते हैं इस स्टार को, ड्रैकुला कहते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं, और फिर एक जो छोटे स्टार होते हैं वो बड़े स्टार से मटेरियल चोरी करता है। और ये इन सब चीज़ को हमें कैसे पता चला, क्योंकि एथरोसैट हमने बनाया और इसके अंदर इतने सारे उपकरण हमने यूज किए गए। अब दोस्तों मैं आपको जो इमेज दिखा रहा हूँ, ये एथरोसैट की शुरुआती इमेज है, जिसमें आप कुछ स्टार्स देख पा रहे हो जो नए बन रहे स्टार्स हैं, और जिस इमेज में आप एक सुपरनोवा को देख देख पा रहे होंगे, ये पहली बार है जब दुनिया ने सुपरनोवा को ब्लास्ट होते हुए देखा, और ये पहली मिशन है जब हमने किसी स्टार को चोरी करते हुए देखा, अपने साथी स्टार से चोरी करते हुए देख। दोस्तों स्पेस में ज़्यादातर अगर हम बात करें तो बाइनरी स्टार मिलते हैं, हमारे सोलर सिस्टम की तरह नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक स्टार है, ज़्यादातर सोलर सिस्टम के अंदर दो स्टार्स होते हैं, और इनका देखने का तरीका सिर्फ एथरोसैट है। हवा स्पेस टेलीस्कोप से ये नहीं देखे जाते हैं, लेकिन उतने तरह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत बड़ी मात्रा में लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं, जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में अब हम मिलेंगे। इसी के साथ सबा खैर, खुदा हाफिज, खुद खुद